मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की दो दिवसीय बैठक का शुभारंभ दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र गौ ग्राम परखम में हुआ है। सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन करे और आपको बता दें कि इस बैठक की शुरुआत की है और बैठक में हाल ही में दिवंगत हुए प्रमुख व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी गई है, जिसमें राघवाचार्य महाराज, रतन टाटा और पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य शामिल हैं। मार्च 2024 की प्रतिनिधि सभा में बैठक की कार्रवाई का अनुमोदन भी किया गया है। बैठक का समापन 26 अक्टूबर को शाम 6:15 पर होगा, जिसमें विजयादशमी के पर्व पर सर संचालक द्वारा प्रस्तुत विचारों पर चर्चा होगी। बैठक में संघ कार्य के विस्तार और पंच परिवर्तन जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में संरचना के 11 क्षेत्रों और 46 प्रांतों के 393 कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर केरल और पूर्वोत्तर राज्यों के कार्यकर्ता शामिल हैं। सभी कार्यकर्ताओं को गौग्राम परिसर में निवास के लिए सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बैठक में प्रांतों के विशेष कार्यों और प्रस्तुतियों का निवेदन भी होगा। आगामी मार्च 2025 तक की विस्तृत योजनाओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें संघ के शताब्दी वर्ष में कार्य विस्तार की योजना भी शामिल है।